नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा यूसर्क स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यूसर्क लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हमारे साथ हमारे विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील कुमार गौड़ जी। सर, मैं आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप टीचर एजुकेटर हैं SERC उत्तराखंड में, और आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग फॉर क्रिएशन ऑफ नॉलेज। मैं सर को लेक्चर के लिए आमंत्रित करूँगा। धन्यवाद। ज्ञान के सृजन हेतु शिक्षण, हमारी कक्षों में जो शिक्षण किया जाता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अगर हम पूर्ण रूप से उसको देखें तो उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। और आज की जो बातचीत है वो बातचीत का शीर्षक है ज्ञान के सृजन हेतु शिक्षण। हम कक्षों में जो शिक्षण करते हैं वो ज्ञान के सृजन हेतु होना चाहिए। अर्थात यदि हम इस शीर्षक पर विस्तार पूर्वक बात करें तो हम देखते हैं कि कक्षों में जो शिक्षण किया जाता है वो बच्चों की उम्र और दर्जे के अनुसार किया जाता है, और उसमें कई बातों का को ध्यान में रखा जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह भी बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि जो हमारा शिक्षण हो वो ज्ञान के सृजन के लिए हो, अर्थात उसमें क्रिएशन ऑफ नॉलेज को प्रमुख रूप से ध्यान में रखा जाए। क्रिएशन ऑफ नॉलेज के लिए हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिक्षा के उद्देश्यों में भी ज्ञान के सृजन का प्रमुख स्थान दिया गया है, और बताया गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अंतर्निहित ऐसी क्षमताओं का विकास करना है जिसके द्वारा वे स्वयं में ज्ञान, कौशल एवं मूल्यों का विकास करके जीवन के अर्थ को समझ सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे कक्षों में शिक्षण गतिमान है, और एक प्रबुद्ध शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्यों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य उल्लिखित हैं, और जिसमें मूल कर्तव्य 51 कॉ के अंतर्गत उल्लिखित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये कई ऐसे कर्तव्य हैं जिन पर जोर दिया जाता है, और इसमें प्रमुख रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना की बात हमारे संविधान में भी उल्लिखित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में ज्ञान का सृजन का महत्वपूर्ण स्थान है, और बताया गया है कि कक्षों में शिक्षण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि बच्चे रटंत प्रणाली से मुक्त हों। अब इस बात पर ध्यान रखने के लिए हमें वर्तमान परिस्थितियों में देखना होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में हम किस प्रकार का शिक्षण करते हैं, और उसको ध्यान में रखने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए हमें यह आवश्यक है कि आजकल का जो शिक्षण वर्तमान में अधिकतर कक्षों में संचालित है उसको हम सुधारें और उस पर लगातार सतत रूप से सुधार की प्रक्रिया गतिमान करें। थोड़ा सा देखिए, हम गौर करते हैं पढ़ाई शब्द पर। पढ़ाई शब्द अपने आप में बड़ा ही सुपरफिशियल है, और जो यह सामान्य रूप से हम इस शब्द का बहुत उपयोग करते हैं, बच्चे भी करते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और शिक्षक भी कहते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये शब्द अपने आप में बड़ा ही सुपरफिशियल है, और ये मुख्य रूप से सूचना पर महत्व देता है। इसके अंतर्गत बच्चे किताब में लिखी गई बातों को पढ़ लेते हैं और पढ़कर याद कर लेते हैं, कभी कभी वो समझकर भी याद करते हैं, परंतु उन सब चीज़ों को याद करके, समझ के याद करके, चाहे हम कह रहे हैं फिर उसको हम किताब में याद करके और फिर हम उसको परीक्षा में बच्चे लिख देते हैं, तो वो कोई
अच्छा मेथड नहीं है पढ़ाई का। ये जो पढ़ाई शब्द है ये सूचना पर आधारित जो शिक्षण है उस पर महत्व देता है। इसमें पाठ्य पुस्तक के कंटेंट को बच्चे अधिकतर याद करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम बच्चों से भी कहते हैं कि किताब निकालो पढ़ो, और ये देखा जाता है कि कभी कभी ऐसे शब्द भी बच्चों से कह देते हैं कि खड़ो हो और किताब पढ़ के पाठ को समझो और किताब पढ़ो। तो ये जब विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों में भी ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसा शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये कोई प्रक्रिया भी नहीं है, तो बड़ा ही स्थिति खराब हो जाती है। और इसको हम फिर शिक्षण अधिगम नहीं कहते बल्कि इसको कहते हैं किताब से पढ़ना और इम्तहान में लिख देना। ये अच्छा मेथड नहीं है। वर्तमान में हम देखते हैं कि सूचना प्रधान विद्यालयी शिक्षा होती जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को रट रहे हैं, किताब को रट रहे हैं और परीक्षा में लिख दे रहे हैं। ये कोई अधिगम नहीं है, ये सीखना नहीं है। इसके बचाव के लिए गतिविधि आधारित पाठ्य पुस्तकें बनी हैं, और इन पाठ्य पुस्तकों में वर्तमान में जो संचालित हैं, इन पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हैं, चाहे वो भूगोल की किताबें हों, विभिन्न प्रकार के उसमें क्रियाकलाप हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं जो कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराने की ओर अग्रसर करती हैं। इन किताबों का भी कभी कभी ऐसा देखने में आता है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, हर जगह पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर एक्टिविटी कराई जाती है, एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, और अच्छे स्कूलों में अच्छे शिक्षण अधिगम के अंतर्गत एक्सपेरिमेंट बच्चों के द्वारा कराए जाते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि गतिविधि आधारित पाठ्य पुस्तकों में भी बच्चे उनको याद कर लेते हैं और फिर उनको भी सूचना की तरीके से इम्तहान में लिखते हैं। वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। किताब में दिए गए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो गतिविधियां हैं, उनको बच्चे करें, उनको करने के लिए बहुत आवश्यक है, तभी क्रिएशन ऑफ नॉलेज होगा। सूचना तथा ज्ञान में अंतर है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ज्ञान की प्रकृति समझते हैं कि ज्ञान की प्रकृति क्या है। ज्ञान की प्रकृति मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्षीकरण से, अनुभव से, और अन्य कई, जब हम कई क्रियाकलाप बच्चे करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उससे उनको अनुभव होता है, अवलोकन करते हैं, अवलोकन में पंच ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है, तो वो जो ज्ञान उनको होता है वह ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है, उससे जो अनुभव बच्चों को मिलता है वही ज्ञान की प्रकृति होती है। इसके लिए ज्ञान की कुछ शर्तें हैं, जैसे ज्ञान की प्रमुख शर्तें तीन हैं, अर्थात ज्ञान मुख्य रूप से सत्य, विश्वास और साक्ष्य पर टिका हुआ होता है। ज्ञान हमेशा सत्य होता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उसका परीक्षण किया जा सकता है, और वह एविडेंस पर यानी साक्ष्यों पर आधारित होता है। ज्ञान के सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो ज्ञान के सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण, चिंतन और निर्णय पर आधारित होते हैं। इसी के आधार पर हम सीखते हैं और हमारा अधिगम इसी के आधार पर चलता है, इसी के आधार पर प्रक्रिया चलती है, और प्रक्रिया से, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं, प्रक्रिया से प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। विज्ञान की भाषा में यदि हम इसको समझें तो विभिन्न प्रकार के सूत्रों को ड्राइव करना, विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन करना, जब वो प्रतिपादित होता हो जाते हैं, जैसे न्यूटन के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो वो प्रोडक्ट है। ये सिद्धांत या ये नियम कैसे बने, ये इनके बनने की प्रक्रिया क्या थी, ये प्रोसेस कहलाता है। तो कक्षा कक्षों में ज्ञान के सृजन के लिए हमें प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए और
तब बच्चे प्रोडक्ट की ओर अपने आप अग्रसर होते हैं। अनुभवजन्य सीखना बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम अंग्रेजी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मुख्य रूप से ज्ञान के सृजन पर आधारित होती है और इसकी कार्यविधि भी स्पष्ट है, जिससे नवीन ज्ञान का सृजन भी होता है। आइए देखिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बातचीत करते हैं। अनुभवजन्य सीखना क्या है? अनुभवजन्य सीखना ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया है और इसके विभिन्न चरण हैं। इसमें प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो इसके 6 चरण होते हैं। पहला चरण है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं करके सीखने के प्रत्यक्ष अनुभव। बच्चे जब प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो चीजों को स्वयं करते हैं, सीखते हैं और अपने हाथों से जब वो कार्य करते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को करते समय या अभ्यास करते समय वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये इसका पहला चरण है। फिर वो अपने अनुभवों का सामान्यीकरण करते हैं। इसमें मुख्य रूप से समूह चर्चा करते हैं, समूह अवलोकन करते हैं, फीडबैक होता है आपस में या गुरुजनों के द्वारा, और इसके द्वारा वे अपने जो उन्होंने अनुभव प्राप्त करते हैं उनमें सामान्यीकरण करते हैं कि हम अगर ऐसा अनुभव हमने प्राप्त हुआ है तो ये इस कारण से हुआ होगा या होता है। फिर नवीन अनुभवों का परीक्षण करते हैं। परीक्षण के लिए बच्चे लघु शोध करते हैं, छोटे छोटे ऐसी समस्याएं जिनको वो समाधान करते हैं और उनके समाधान की पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं। वो हमें ये लगता नहीं है कि बच्चे लघु शोध कर रहे होंगे, परंतु जब क्रिएशन ऑफ नॉलेज होता है, ज्ञान का सृजन की पर आधारित शिक्षण जब कराया जाता है, तो बच्चे अवश्य कोई ना कोई शोध कर रहे होते हैं और तब वो ज्ञान का सृजन आपस में करते हैं या स्वयं के द्वारा करते हैं। पीयर ग्रुप लर्निंग में भी वो इस स्टेप से गुजरते हैं। ज्ञान के सृजन चौथा स्टेप इसका ज्ञान का सृजन है, जो कि स्वयं करके सीखने से ही होता है। और स्वयं करके सीखना या इसके जो प्रमुख विधि है, इसके जब ज्ञान का सृजन बच्चे करते हैं तो अल्टीमेटली नवीन ज्ञान का सृजन भी हो जाता है। इस बात को हम इस प्रकार से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो ट्रेनर क्या करता है, लर्नर के पास खड़ा हो जाता है, साइकिल लर्नर के हाथ में होती है और लर्नर से कहा जाता है, मुख्य रूप से साइकिल चलाने का तरीका सैद्धांतिक रूप से बताया जाता है कि ये हैंडल है, ये पैडल है, ये चेन है, इस प्रकार से तुम्हें आगे देखना है और पैडल मारते जाना है और साइकिल चलाते जाना है। बच्चे क्या करते हैं, साइकिल चलाना धीरे धीरे सीखते हैं, तो विभिन्न प्रकार के कौशल उनमें आते हैं। तो जब वो विभिन्न प्रकार के कौशल उनमें आते हैं तो वो धीरे धीरे करके साइकिल चलाना सीख लेते हैं और फिर ट्रेनर की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं करके और साइकिल चलाना सीख लेते हैं। इस बात को हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, साइकिल चलाने का उदाहरण लेकर के। अब देखिए जब बच्चे साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो फिर ट्रेनर की आवश्यकता नहीं होती। फिर ये देखा जाता है, कभी कभी देखा जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि बच्चे फ्रेम में घुस करके, यानी कैंची, आपने सुना होगा कि कैंची की स्टाइल में साइकिल चला रहे हैं, जबकि ट्रेनर ने उनको बताया भी नहीं है कि कैंची इस प्रकार से साइकिल चलाई जाती है और वो फिर उसको साइकिल को चला लेते हैं, नए नए तरीके से साइकिल चलाते हैं, गाना गाते हुए साइकिल चलाते हैं, और जबकि वो पहले डर रहे होते हैं। तो इसमें, इस विधि में नवीन ज्ञान का सृजन भी हो जाता है और विभिन्न प्रकार के दैनिक व्यवहार में प्रदर्शन भी उसका वो करते हैं कि वो ठीक प्रकार से साइकिल चला रहे होते हैं, व्यवहारगत प्रदर्शन भी करते हैं कि नियम के अनुकूल वो सड़क पर चलने के जो नियम है, सड़क सुरक्षा के जो नियम है, उनको फॉलो करते हुए वो अपनी साइकिल को बड़े बेहतरीन तरीके से चलाते हैं। तो इसको हम सैद्धांतिक रूप से अगर उनको समझाएं तो वो कभी नहीं सीख सकते साइकिल चलाना,
लेकिन अगर हम उनको एक्सपेरिमेंट के जरिए यानी वो खुद कर रहे हैं, अनुभव के द्वारा सीख रहे हैं, तो वो बड़ी आसानी से साइकिल चलाना सीख जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूचना और ज्ञान में कुछ स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। सूचना मुख्य रूप से किताबों में लिखी गई बातें होती हैं जिनको विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, शिक्षक कभी कभी पढ़ा देते हैं, और ऐसा शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। वो हमेशा क्रिएशन ऑफ नॉलेज के आधार पर ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलाना चाहिए। और सूचना के वर्सेज ज्ञान की बात होनी चाहिए, तभी क्रिएशन ऑफ नॉलेज होगा। एक अच्छे प्रबुद्ध शिक्षक को सूचना और ज्ञान में स्पष्ट अंतर अपने ध्यान में रखना चाहिए हमेशा शिक्षण करते समय। सूचना और ज्ञान जो है वो आपस में अंतर संबंधित हैं, क्योंकि किताबों में लिखी गई बातें सूचना होती हैं, और जब हम उनको एक्सपेरिमेंट के जरिए या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के जरिए बच्चों से कराते हैं, तो वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है सूचना। इसी के तारतम्य में नवीन ज्ञान का सृजन भी होता है। साइकिल चलाने में देखिए, इस उदाहरण में विभिन्न प्रकार के कौशल बच्चे सीखते हैं। दूसरा कौशल का एग्जाम्पल है कि जब बच्चे किसी पत्ती की अध्ययन कर रहे होते हैं, शिक्षक पत्ती के बारे में या किसी प्लांट के बारे में बता रहे होते हैं, और बच्चे पत्ती का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार की पत्तियां देखते हैं। फील्ड में ले जाएं बच्चों को, वहां पर देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की पत्तियां हैं, किस पौधे में कौन से प्रकार की पत्ती है, पत्ती में व्रंत है या नहीं है, पत्ती के किनारे आरीदार हैं या सपाट हैं, या पत्ती की संरचना कैसी है, ऊपरी सतह कैसी है पत्ती की, निचली सतह कैसी है, इसके आधार पर बच्चे वर्गीकरण करते हैं पत्तियों का, और उसमें विभिन्न प्रकार के कौशल उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे साइकिल में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार साइकिल सीखने में विभिन्न प्रकार के कौशल उपयोग में लाए जाते हैं, पत्ती का वर्गीकरण करने में या अन्य चीजों का वर्गीकरण करने में अन्य प्रकार के कौशल बच्चे उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार की स्किल या कौशल बच्चे उपयोग में लाते हैं, और ज्ञान का सृजन चलता है। उसी के अंतर्गत नवीन ज्ञान का सृजन भी बच्चे करते हैं। पूरी की पूरी ये जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं करके सीखने के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान के सृजन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी साइक्लिक रूप में होती है। आप देखिए स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं करके सीखने के प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। बच्चे अनुभवों का सामान्यीकरण करते हैं, अनुभवों के सामान्यीकरण के पश्चात नवीन अनुभवों का परीक्षण करते हैं। एक प्रबुद्ध शिक्षक को ये पूरी की पूरी साइकिल समझते हुए शिक्षण करना आवश्यक है। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान का सृजन होता है, नवीन ज्ञान का सृजन होता है इसी प्रक्रिया में, और नवीन ज्ञान का दैनिक व्यवहार में प्रदर्शन किया जाता है। तो ये प्रकार इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी की पूरी चक्र चलता है ज्ञान के सृजन का के आधार पर शिक्षण कराने के लिए। ज्ञान के सृजन पर आधारित शिक्षण विधियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमने देखा है प्रशिक्षणों में ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्शन मेथड जिसको हिंदी में आगमनात्मक विधि कहते हैं। ये प्रमुख रूप से ऐसी विधियां हैं जो ज्ञान के सृजन पर आधारित हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन विधियों का शिक्षण में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना आवश्यक है। इन विधियों के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि जब हम शिक्षक प्रशिक्षण करते हैं तो विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्र भी हमें बताए जाते हैं। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, इस प्रकार से कई सूत्र ऐसे हैं। स्थानीयता से वैश्विकता की ओर, इस प्रकार से हम यदि इन सब सूत्रों को ध्यान में रखें तो हम इस पूरे के पूरे यदि क्रिएशन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के सृजन के लिए शिक्षण की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक सूत्र और ध्यान में रखना चाहिए
सूचना से ज्ञान की ओर, अर्थात इसको एक शिक्षक को इस सूत्र को अपने शिक्षण अधिगम के दौरान अवश्य प्रयोग करना चाहिए। यानी सूचना जो किताब में लिखी गई है उसको हम ज्ञान का रूप किस प्रकार दे सकते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकल करा करके, एक्सपेरिमेंट करा करके, क्रियाकलाप बच्चों से करा करके, उनको ऐसे अवसर अधिक से अधिक प्रयोग उपलब्ध करा करके कैसे हम उनको ज्ञान की ओर को ले जा सकते हैं सूचना को। तो हमें ये शिक्षण सूत्र प्रयुक्त करना आवश्यक है, अर्थात सूचना से ज्ञान की ओर को बच्चों को ले जाने के लिए ये शिक्षण सूत्र आवश्यक है। सूचना और ज्ञान का रूपांतरण होता है तथा इस में उत्क्रमणीय संबंध होता है। आप देखते हैं कि जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि किताबों में लिखी गई जो बातें हैं वो सूचना है, और इसको हम ज्ञान के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं जब हम इसको बच्चों के द्वारा प्रैक्टिकल कराते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, तो वो जो किताब में लिखी गई सूचना है वो ज्ञान में रूपांतरित हो जाती है और इसमें उत्क्रमणीय संबंध होता है। यदि हम ज्ञान एक बच्चे ने मान लिया जाए एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज सीखी है तो उसके लिए वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज हो गया, उसने वो अपनी कॉपी में या नोटबुक में वो बातें लिख ली हैं नॉलेज या ज्ञानार्जन करने के उपरांत, फिर उस बात को वो उसके लिए तो ज्ञान हो गया, लेकिन कोई दूसरा बच्चा यदि उसकी कॉपी की लिखी गई बातों को याद कर लेता है और बिना समझे, बिना सोचे समझे, बिना प्रैक्टिकल किए फिर उसको वो याद करके इम्तहान में लिखता है, तो वो ज्ञान उस दूसरे बच्चे के लिए सूचना का रूप है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूचना और ज्ञान में रूपांतरण का और उत्क्रमणीयता का संबंध है। तो नवीन परिप्रेक्ष्य में ज्ञान की रचना हेतु शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, और शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों को ऐसे अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए कि जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, क्रियाकलाप कर सकें, और ऐसे अवसरों के साथ साथ नए नए क्रियाकलाप करके बच्चे नए नए क्रियाकलाप भी करते हैं। जैसे कला में आप देखते हैं कि कभी कभी बच्चे ऐसी कला बना लेते हैं, ऐसी पेंटिंग बना लेते हैं कि जिनको शिक्षक एक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी सुंदर कलाकारी बच्चे करते होंगे। इसके लिए उनको चिंतन की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान के सृजन के लिए विद्यार्थी उत्कृष्ट चिंतन कैसे करें उसकी विभिन्न प्रकार की तरकीब बच्चों को बतानी चाहिए, बतानी आवश्यक है कि वो किस प्रकार से अपने चिंतन में परिवर्तन लाएं, लगातार कैसे सोचें अपने काम को, अपने एक्सपेरिमेंट को उम्दा बनाने के लिए किस प्रकार से वो लगातार कार्य करते रहें और अपने चिंतन को आगे बढ़ाते रहें। कक्षा में देखिए, एक प्रबुद्ध शिक्षक को, एक अच्छे शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी हैं वो फूलों का गुलदस्ता है। वो विद्यार्थी ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आते हैं और वो विभिन्न प्रकार की सामाजिक सूझबूझ, सामाजिक बातें और सामाजिक क्रियाकलाप और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आते हैं। हर विद्यार्थी में कोई ना कोई ऐसी क्षमता होती है कि वो अपनी क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक को, एक डायनेमिक टीचर को बच्चों की क्षमताओं को समझना चाहिए और उनको, जैसे बगिया में फूल होते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, तो अच्छे लगते हैं, बाग बगीचा भी सुंदर लगता है। इसी प्रकार हमारे कक्षा कक्षों में भी विभिन्न परिवेश के बच्चे आते हैं, तो उनसे प्रेम करें, बच्चों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराएं कि वो आगे बढ़ें और शिक्षक उनकी क्षमताओं को पहचानें, उनकी क्षमताओं को पहचान करके आगे बढ़ें कि कौन बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, कैसी परिस्थिति उसकी है, कौन सी परिस्थिति में वो बेहतर सीख सकता है, उस प्रकार से वो सीखें, बच्चों का अधिगम इस प्रकार से उन्नत किस्म का अधिगम होगा, क्रिएशन ऑफ नॉलेज होगा,
ज्ञान का अर्जन होगा और ज्ञान का अर्जन की प्रक्रिया के साथ साथ नवीन ज्ञान का सृजन भी होगा। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के सवाल किए जाते हैं। उन सवालों से एक अच्छे शिक्षक को उन सवालों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे सवाल खड़े करें। बच्चे विभिन्न प्रकार के सवाल करेंगे तो उनके सामने समस्या आएगी और वो उन सवालों को हल कर लेंगे, एक दिन नहीं तो अगले दिन नहीं तो उससे आगे भविष्य में कभी ना कभी वो उस सवाल का समाधान पीयर ग्रुप लर्निंग के द्वारा या शिक्षक के द्वारा स्वतः समाधान के द्वारा भी कभी कभी सवालों का उत्तर मिल ही जाता है। इसलिए बच्चों को सवाल करने से रोकना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो बहुत सवाल करते हैं, लेकिन जो वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं उनके सवाल करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। तो जब सवाल करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी तो वहां कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण बनेगा ही नहीं। लोकतांत्रिक वातावरण कक्षा का वह वातावरण है जहां हर बच्चा लोकतांत्रिक तरीके से सीख रहा है चीजों को, हर बच्चे को बोलने के पर्याप्त अवसर है, उसके संकोच को हटाने के लिए एक शिक्षक बेहतर तरीके से काम कर रहा है। बच्चे ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में सवाल खड़े करते हैं। सवाल ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे क्या, व्हाट, क्यों, व्हाय, कैसे, हाउ। ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये किसी न किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत किसी न किसी स्टेप को इंगित कर रहे होते हैं। जैसे हम देखते हैं क्या, क्या जो शब्द है वो पाठ्य सामग्री को इंगित करता है, अर्थात कंटेंट को इंगित करता है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, क्यों करना है, यानी इसका कारण क्या है, या ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे कोई रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी जो रिएक्शन होती है उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, तो ऐसे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्यों अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या क्यों खराब रिजल्ट आ रहे हैं, क्यों और किस प्रकार से अच्छे रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो वो प्रक्रिया, जब कैसे शब्द उपयोग में लाया जाता है तो वो प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, बच्चे प्रक्रिया को समझ रहे होते हैं। तो ये पूरे के पूरे ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है। इसमें उत्पाद के रूप में ज्ञान का निर्माण होता है, अर्थात क्रिएशन ऑफ नॉलेज होता है, और नवीन ज्ञान का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि ज्ञानार्जन में और ज्ञान के सृजन में थोड़ा अंतर है। जब भी नई नई बात का खोज होती है तो उसको हम ज्ञान का सृजन कहते हैं। ये ज्ञान का सृजन अधिकतर बड़े बड़े वैज्ञानिक या अन्य ऐसे चीजों से जुड़े हुए व्यक्ति करते हैं। बच्चे प्रमुख रूप से विद्यालयों में ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, और ज्ञान अर्जन करते समय जब उम्दा किस्म का ज्ञान अर्जन हो रहा होता है कक्षा कक्ष में, तो ज्ञान का सृजन भी हो जाता है, अर्थात नई चीजें, नई बात भी निकल के आ जाती हैं। जैसे साइकिल चलाने के प्रोसेस में आप देखते हैं, उदाहरण में आप देखते हैं कि उसमें नवीन ज्ञान के सृजन की बात भी आ जाती है। ज्ञान के सृजन की बात हम करते हैं तो वर्तमान परंपरागत जो ज्ञान के सृजन या ज्ञान अर्जन के जो प्रक्रिया कक्षा कक्षों में चल रही होती है, तो हम देखते हैं कि कक्षा कक्ष का जो भौतिक वातावरण है, सीटिंग अरेंजमेंट, कक्षा कक्ष में श्यामपट की व्यवस्था, बच्चों के बैठने की व्यवस्था, कभी कभी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि कक्षा कक्षों में ऐसा फर्नीचर है जो कभी कभी फिक्स होता है, और फिक्स भी नहीं होता तो वो ऐसा पंक्तिबद्ध लगा हुआ फर्नीचर होता है कि बच्चे एक दूसरे के इस प्रकार से पंक्तिबद्ध रूप में बैठते हैं कि वो एक दूसरे की पीठ देख रहे होते हैं। बच्चों को आपस में बात करने के अवसर नहीं होते हैं, पीयर ग्रुप लर्निंग के अवसर नहीं उपलब्ध होते हैं। तो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में एक अच्छे शिक्षक को यह आवश्यक है कि वो ऐसा फर्नीचर उपयोग में लाए जिसको ज्ञानार्जन के अंतर्गत जब
बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हों, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हों या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हों, तो वो उसको अपनी सुविधा के अनुसार उस फर्नीचर को में बैठक व्यवस्था में बदलाव कर लें और फिर से उसको पुनर्व्यवस्थित कर लें, अर्थात गोल घेरे में बच्चे बैठ करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खड़े खड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बातचीत के अवसर बच्चों को इस प्रकार से मिलेंगे, तो फर्नीचर में बदलाव, सीटिंग प्लान में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे या बड़े बच्चे कक्षा कक्ष में दरी बहुत उपयुक्त होती है, दरी पर बैठ करके चाहे जैसे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्रियाकलाप कर सकते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट में विभिन्न प्रकार की सावधानियां तो रखनी ही होती हैं, परंतु सुविधाएं बहुत होती हैं, फर्नीचर को इस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे के पूरे शिक्षण के स्वरूप में और प्रक्रिया में चिंतन करने की आवश्यकता होती है और इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता वर्तमान में महसूस की जा रही है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी जब शिक्षण वही सफल माना जाता है जिसमें अधिगम हो रहा हो और वो प्रक्रिया हो, तो ऐसी प्रक्रिया के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। विषयों के शिक्षण का जो माध्यम है, मुख्य रूप से हम देखते हैं, कभी कभी हम ये मान लेते हैं कि विषयों का शिक्षण का माध्यम भाषाएं हैं। भाषाएं विषयों का शिक्षण का माध्यम नहीं है। हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, क्षेत्रीय भाषा हो, स्थानीय भाषा हो, वो तो संप्रेषण का माध्यम है, उनके द्वारा हम अपनी बात को कन्वे करते हैं। विषयों के शिक्षण का माध्यम तो कला होती है, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, नाटक, कहानी, कविताएं, ये इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मंचन, पेंटिंग, इनके द्वारा बच्चे विभिन्न प्रकार के विषयों का शिक्षण कराया जाए तो बात ही कुछ और होती है। ज्ञान के सृजन पर आधारित शिक्षण के लिए ये सब कार्य करने आवश्यक होते हैं। विद्यालय में नवीन ज्ञान के सृजन की बहुत आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में। विदेशों में हम देखते हैं कि वो देश अग्रणी है जहां हमेशा नवीन ज्ञान की बात हो रही हो, कुछ ना कुछ नवीन नवाचार की बात हो रही हो, ऐसी कल्पना, ऐसे सपने को साकार करने की आवश्यकता है जहां हमारे विद्यालय ज्ञान के सृजन के कारखाने बने। जैसे उत्पाद किसी कारखाने में कोई बेहतर प्रोडक्ट निकलता है, उसी प्रकार से हमारे विद्यालयों में ज्ञान के उत्पाद सृजित हों, नई नई रचनाएं सृजित हों, बच्चे स्वयं कविताएं लिख रहे हों, बच्चे इस प्रकार की कविताएं लिखते हैं कि हम उनको थोड़ा सा अवसर दे दें तो वो आगे बढ़ बढ़ के टीचर को दिखाते हैं कि ये सर ये कविता मैंने लिखी है, ये कहानी मैंने लिखी है, अन्य अन्य अनेक प्रकार की घटनाएं वो लिखते हैं। जब वो ये सब लिखते हैं, विज्ञान में कोई ना कोई प्रयोग कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ नवीन ज्ञान का सृजन होता है, बच्चे कविताएं लिख रहे होते हैं, कहानियां लिख रहे होते हैं, उनकी अन्य रचनाएं होती हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान कई प्रकार की ऐसी चीजें आ जाती हैं, जैसे हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बच्चे बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसे पौधे का वो वृतांत वर्णन कर देते हैं कि साहब ऐसा पौधा हमारे पास है, हमारे घर के पास है, या हमारे बाग बगीचे में या जंगल में हमने इस प्रकार का पौधा देखा है, उस पौधे को वो वर्णन कर दें, पूरा वर्णन कर दें, और वो अगर पूरा का पूरा ऐसा कुछ नया पौधा निकल गया जिसका आज कहीं किसी भी वैज्ञानिक संस्थान में उसको प्लांट टैक्सोनॉमी में उसको भेजा जाए, वहाँ उसका नामकरण और उस बातों पर वर्गीकरण पर ध्यान दिया जाए, हो सकता है कि वो नवीन प्रकार का पौधा हो, नवीन प्रकार के पुष्प हों उसमें, नवीन प्रकार के वर्णन आ जाएं, तो वो उसका एक नवीन ज्ञान का प्रकाशन हो जाएगा, नवीन सृजित ज्ञान का प्रकाशन हो जाएगा, जो कि विद्यालय के लिए, क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में इस प्रकार के बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें बच्चों को ऐसे अवसर देने चाहिए ताकि वो
अच्छे से अच्छे नवीन ज्ञान का सृजन कर सके और हमारे विद्यालय आगे से आगे बढ़ते हुए हमारे क्षेत्र की, हमारे विद्यालयों की तरक्की हो सके, हमारे शिक्षकों की तरक्की हो सके और बच्चों की तरक्की हो सके। धन्यवाद। देखते हैं कि ज्ञान के सृजन पर आधारित शिक्षण करने के लिए हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को इस ओर को अग्रसर करे कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकें, ज्ञानार्जन कर सकें और अपने व्यवहार में सुधार की भावना का विकास कर सकें, अपना उन्नत व्यवहार प्रदर्शित कर सकें। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं करके सीखने से ही जब तक हम उनको नवीन नवीन एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नवीन नवीन अवलोकन करने के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक वो नवीन ज्ञान का सृजन नहीं कर पाएंगे। हमें कक्षा कक्ष में उनको ऐसे अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट स्वयं कर सकें, स्वयं नए नए एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकें और प्रक्रिया पर आधारित शिक्षण अधिगम कर सकें। सूचना से ज्ञान की ओर का जो शिक्षण सूत्र है उसका हमें बिल्कुल अनुपालन करना चाहिए और विद्यार्थी नवीन नवीन बातें सीखें, क्या, क्यों, कैसे, इन शब्दों का अधिक से अधिक प्रश्न में उपयोग करें और शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर के शिक्षण और अधिगम करें, बच्चे अधिगम करें, शिक्षक पीयर ग्रुप लर्निंग में बच्चों के साथ रहें, उनके समस्याओं का समाधान करें, उनके अनुभवों का सामान्यीकरण करें तो वो ज्ञान का सृजन करेंगे, ज्ञान का अर्जन करेंगे। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सूचना और ज्ञान में अंतर को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान के सृजन के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि क्रिएशन ऑफ नॉलेज की ओर को बच्चे पढ़ सकें और नवीन ज्ञान का सृजन प्रकाशित हो सके और हमारे क्षेत्र का, हमारे विद्यालयों का और शिक्षण अधिगम सफल हो सके, तभी हम सफल शिक्षक और बच्चे भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद।